ए बाबू मजाक नहीं, दोनों गिरेगा। ए छोड़ दो छोड़ दो, हाथ सब में चोट लग रहा होगा। ए दोनों को एक साथ चकराया क्या? वो भी नहीं उठ रहा है, देखो हालत खराब है उसको। छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे चक्कर ज्यादा घुमाने से ज्यादा अच्छा थोड़े है, अच्छा नहीं लग रहा है रे। वो बता, बोल पा रहा है? बताओ, बोल सक रही है? बोल पा रही है वो? काट देगी इसको, पता नहीं चलेगा, चक्कर आ रहा है। सुगम जाने के लिए रेडी हो रहा है? झूठ बोल रहे, हम रेडी है। ना पॉलिश करते हैं इसकी देखिए, और बाकी मम्मी ये तेरे के लिए लंच बना रही है, पराठा। इसमें क्या है? आलू का भुजिया, जीरा जीरा डाल के आलू भुजिया बना दिए हैं, और ये गर्मा गर्म पराठा। गर्मा गर्म हम लोग को खाते खाते ठंडा हो जाता। क्या हुआ? बहुत भारी है मैं। भारी है? स्कूल तक नहीं जाना पड़ रहा है, बाइक से जाएगा, नहीं तो बस से। चलो जाओ, लेट हो गया। जाओ टाटा करने आ गया। हम भी जाएंगे। पैदल जाएगा तो पीछे पीछे चल जाएगी स्कूल, आ जाके गेट के बाहर बैठे रहेगी, इंतजार करेगी। दोस्तों फिलहाल हम जैसे कि देख सकते हैं अभी कोकोनट ऑयल लिए हैं, और इसमें हम एक नींबू डाले हैं काट के, और मिला दिए थे पूरा नींबू का रस, और धूप में रख दिए थे कुछ देर के लिए, आधा घंटा एक घंटा, और फिर इसको हम यूज़ करते हैं। तो नहाने से पहले लगा लेते हैं, और इस तरह से जड़ में अच्छे से मिला लेते हैं और लगा के, क्योंकि नींबू में क्या होता है, विटामिन सी, साइट्रिक एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर, बहुत कुछ होता है, और इसलिए मतलब बाल झड़ना भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से यूज़ करते हैं, आप सब भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अच्छा रहेगा बाल के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बाहर, और मेरे पीछे पीछे जा रही है ओली दौड़ दौड़ के, जिधर जाते हैं उधर दौड़ते रहती है, बना रहे हैं, और ये पीछे पीछे बस घूम रही है कि कब मिल जाए खाना, नहीं तो फिर ऐसे ही साड़ी पकड़ लेती है या फिर चिल्लाते रहती है। सो गाइस, मम्मी अभी पापड़ बना रही है। सो गाइस देखिए, सुबह अभी स्कूल से आ चुका है, और ये अपना चाचू का शादी का कार्ड पढ़ रहा है। कब है डेट बताओ? 23 कहाँ लिखा हुआ? हाँ, तो इनका चाचू का शादी लग चुका है। ये देखिए कल आया है कार्ड, और हमारे बगल का है जो देवर जी लगेंगे, चाची सास का बेटा है, उनका शादी है। और दोस्तों अभी हम पापड़ निकाल रहे थे, और देखिए यहाँ पे निकाल लिया है इतना सारा, और अभी जैसे कि टमाटर का चटनी पकाए, देखिए बना दिए, और इधर साग है, इधर भिंडी फ्राई की थी, और इसमें दाल है, और शुभम को अभी खाना चाहिए चटनी का साथ, है ना, और श्वेता खा रही है चटनी, और इधर मछली लिए हुए हैं, अभी इसको फ्राई करेंगे और बनाएंगे। मतलब फ्राई किया जाता है फिर बनाया जाता है, इसको देखिए कच्चा बनाएगा का, जब तक फ्राई नहीं करेगा तब तक कैसे बनेगा। तो चलिए मछली फ्राई करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई पे हम तेल डाल दिए हैं, और ये लोहा वाला कढ़ाई है, इस पर अच्छे से फ्राई होगा, चिपकेगा नहीं, और ये देखिए गर्म हो चुका है ज़्यादा। चलिए तीन चटू, अरे चटनी ज्यादा दीजिए, ज्यादा भिंडी चाहिए ना, चटनी ठीक है मेरे लिए, भर के दीजिए। हां दीदी को भी भिंडी पसंद नहीं था, इसलिए चटनी बनाने के लिए और दें, और थोड़ा
बस दाल साग दाल साग दाल दीजिए दाल दाल दीजिए दीजिए और पापड़ तीन चार को दीजिए तीन चार दो और एक टो तीन दो कहाँ जा रहे हो खाने लाइट है नहीं ना। सो दोस्तों मछली देखिए फ्राई कर चुके हैं और ये छोटी मछलियाँ हैं तो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और अब हम बनाते हैं इसको। फिर कढ़ाई पे तेल ले लिए हैं, इसमें दो दालचीनी डाल देंगे और एक तेजपत्ता। थोड़ा सा बड़ी इलायची डाल देंगे कूट के और डाल देंगे प्याज। प्याज थोड़ा सा जल गया, अब हम टमाटर डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मसाले को टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसमें जैसे कि पीला वाला सरसों दिया जाता है मछली में, तो भी दे सकते हैं आप। हम अभी टमाटर भी दे रहे हैं दोस्तों। इसमें जैसे कि आपको जितना नमक लेना है उस हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे गर्म मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। मसाले अच्छे से भून गए देखिए, और टमाटर भी गल गया है दोस्तों। और इसमें हम डालेंगे अब पानी। अब हम यहाँ पे डाल देंगे मछली को। बॉईल होने के लिए रहने देते हैं। सो दोस्तों देखिए ये मछली बन चुका है और इतना रहने देते हैं तरी। अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ता जो एक खुशबू देगा बहुत अच्छा। हमारा मछली बन चुका है, हम खाना लगा दे रहे हैं। और ये मछली तरी वाला दे दिए हैं, इधर फ्राई भी दे दिए हैं थोड़ा सा जाओ। और ये पापा को खाना देने जा रहा है। सो गाइस सुबह में यहाँ स्टडी कर रहा है, देख सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ रहा है? लैंग्वेज, यानी ग्रामर। हाँ ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा इंग्लिश का। और ये 6 बजे बैठ गया है पढ़ने? टाइमिंग 7 से 9, लेकिन हम आज जल्दी सोएंगे इसीलिए 6 से 8 पढ़ रहे हैं। इसको आगे पढ़ो, सारा कुछ सामने रख लियो, तरफ नहीं बनेगा। ठीक से हटाओ कौन सा पेंसिल है? डार्क चल, कुछ भी है फिर भी डार्क चल, न्यू मॉडल पेंसिल है। और किसमें किसमें होमवर्क मिला, कौन सा सब्जेक्ट? इसी पे इसको करके होमवर्क करेंगे, मतलब घर का होमवर्क। ओले ई। सो गाइस श्वेता बिस्किट खिला रही है देखिए पप्पी को। वो खा लेगी। तो दोस्तों अभी जैसे कि रात का बज गया है 7:30 और अभी हम लोग देखिए इसके साथ खेल रहे थे, यानी इसको भूख लग गया है तो ये खिला रही है बिस्किट और उसका खाना हम पका रहे हैं अभी। बिस्किट है जो बॉयल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।